अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर शुरू हुई जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहां तक कि अब ये बवाल छात्रों की शिक्षा तक पहुंच गया है। छात्र संघ के कमरे से तस्वीर हटाए जाने से नाराज छात्रों ने अब क्लासरूम में जाने से ही तौबा कर ली है। नाराज छात्रों का कहना है कि जब तक फोटो वापस नहीं लगाई जाती और छात्रों पर हुई बर्बरता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हम क्लासरूम का बायकॉट करेंगे। बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तस्वीर का विरोध कर जिन्ना के जिन को बोतल से बाहर कहने कहा कि पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश की राजनीति तक में जिन्ना को लेकर जंग छिड़ गई है। जहां बीजेपी में दो फाड़ हो गया तो वहीं यूनिवर्सिटी में भी जबरदस्त हंगामा बरपा है। छात्र फोटो हटाने का विरोध तो कर ही रहे थे कि पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर छात्रों ने क्लास का ही बायकॉट कर दिया। पुलिसिया लाठीचार्ज के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़ाई छिड़ गई है। छात्र छात्राओं ने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के बाद किए गए पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। छात्र सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं कैंपस के बाहर इकट्ठा हुए और पुलिस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है और बेवजह छात्रों पर लाठियां बरसाई है। इस बीच यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। छात्र संगठन नेताओं की मांग है कि सतीश गौतम के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। इसको लेकर उन्होंने एडीएम को भी ज्ञापन सौंपा है। छात्र तो कार्रवाई के बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो अब देखना होगा कि ये मामला कब तक शांत होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।